तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो भाई? आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ कहीं भी प्रवास को व्यस्त होंगे। एक नए सुबह सा नया ब्लॉग स्टार्ट हो ही गया है। और जैसे कि दोस्तों आपको विदित होगा, मेरे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा कि बड़कोर में माँ भगवती का आगमन हुआ और नाइट के समय दियाणियों का समारोह हुआ, जागर हुआ। रामस्वरूप थपलियाल जी आए थे, उन्होंने खूब नचाया दियाणियों को, तो काफ़ी अच्छा है लगा। और फर्स्ट टाइम ऐसा गाँव में हो रहा है दियाणी का कार्यक्रम, काफ़ी अच्छा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज है छोटा मेला और साथ में दियाणियों मिलन समारोह भी, तो बहुत खुशी की बात है। तो अभी हम जा रहे हैं गंगनाणी, क्योंकि गंगनाणी देव डोली जा रही है और दियाणियों जो दियाणियाँ हैं वो भी जा रही है। तो थोड़ा सा बारिश ने मौसम ख़राब करा हुआ है, कल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अब आज तो बहुत ज़्यादा बारिश ही बता रखी है। तो देखते हैं माता रानी की कृपा होगी तो बारिश रुक जाए, और थोड़ा सा हल्की हो रही है, इतनी चल जाएगी नॉर्मली, रुक भी जाती तो और भी बेहतर रहता। तो बाकी दोस्तों मौसम तो बेकार ही है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, क्या ही बोलना मौसम के लिए, थोड़ा बारिश रुक जाती ना फिर ठीक रहता। तो बाकी दोस्तों चलते हैं गांव में, जहां पर कि पालगी है माँ भगवती की। राज गांव में पार्क के पास गढ़, तो यहाँ पे जो हमारी दियाणी टोलियाँ है गांव की, उनका फाइनल लुक ये है। कुछ इस प्रकार से और भी हरियाणी है यानी बहुएँ हैं, उनका कुछ अलग ही लुक है, तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा ब्लॉग में। तो अभी ये सब गंगनाणी की तैयारी में है, तो बने रहिए और ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा आपका और ले चलूँगा आपको सीधे गंगनाणी। और दोस्तों जो बाबा भोगनाथ का झामन है वो भी आ चुका है, क्योंकि जो बड़कोर दियाणियाँ हैं वो माँ भगवती और बाबा भोगनाथ को सोने का छत्र भेंट कर रही है, तो काफ़ी सौभाग्यशाली है। और अरुण भाई और मैं जा रहे हैं। अरुण भाई कैसा लग रहा है? हाँ तो बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये दियाणियों का कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है। बाकी हमारे पास कैमरा भी है, तो गाने की शूटिंग भी करनी है, तो जल्दी आपके बीच माँ भगवती का न्यू सॉन्ग भी आने वाला है, न्यू हारूल आने वाला है, तो प्लीज़ उसको फुल सपोर्ट करें आप। और चलते हैं दोस्तों गंगनाणी की ओर, थोड़ा बारिश का मौसम भी है, तो बारिश में थोड़ा सा डिस्टर्ब करा हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, ये समझे कि इंद्र फूल बरस रहे हैं और क्या हो सकता है। चलते हैं कंटिन्यू, ठीक है भाई।
कर्नाटी फाइनली पहुंच चुके हैं और मैं बीक के कैमरा भी था और सभी भक्तगण देवडोली को लेकर कर्नाटी आ चुके हैं और थोड़ा बारिश प्रॉब्लम ज़्यादा कर रही है, थोड़ा साउंड में दिक्कत हो रही होगी, समझ आते हैं। और सबका माहौल बहुत तगड़ा है, बजाज माहौल बना हुआ है और जो कुंड है वो भी बहुत भरा हुआ है। मन तो कर रहे टू नाचो क्योंकि बीक तो ऐसे भी रखे बाकी आगे सभी जनता तो जय हो। चलो बने रही आप
फाइनली दोस्तों गंगरानी से बड़कोट के लिए वापसी चल दिए हैं सभी दियाणियाँ, क्योंकि बड़कोट गांव में अभी देवता की पूजा लगनी है और सोने का छत्तर है वो भी भेंट करना है। चलते हैं।
दोस्तों फाइनल अभी पूजा स्टार्ट हो चुकी है और जो सोने के छतर है उनकी भी पूजा लग रही है दीप डोली के साथ। और इसके बाद पूजा खत्म होने के बाद जो सोने के छतर हैं वह ध्यानियों द्वारा जो झामन है देवता का उसके ऊपर भेंट किया जाएगा कुछ पुजारी द्वारा। जो कुछ भी आगे होगा आपको जरूर दिखाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, तो बने रहिए। तो दोस्तों फाइनल सभी ध्यान एकत्रित होकर सोने का छतर माता रानी को भेंट किया जा रहा है। तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर देखें।
Thank you.